सावन का महीना शुरू होते ही जहां एक ओर भक्तिमय माहौल बन जाता है, तो वहीं ये सावन माह महिलाओं के लिए खुशियां लेकर आता है। इस महीने में महिलाओं से संबंधित तीज त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जिसे महिलाएं एक साथ एकत्र होकर मनाती है। इसी तर्ज पर जायसवाल महिला समाज द्वारा भी सावन महोत्सव मनाया गया, जिसमें सामाजिक महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। सावन माह प्रतिवर्ष भक्ति के माहौल के साथ महिलाओं के लिए ढेरों खुशियां लेकर आता है, क्योंकि इस महीने में आने वाले तीज त्योहारों में महिलाएं पूरी तरह सज धज कर 16 श्रृंगार करके कार्यक्रमों में शामिल होती हैं और विभिन्न समाज की महिलाओं द्वारा सावन के महीने में सावन महोत्सव मनाने की परंपरा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जायसवाल महिला समाज में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग की महिलाओं के लिए अलग अलग आयोजन किए गए थे, जिससे उनका मनोरंजन भी हो सके और वह खुशियां मनाते हुए खुशियों को बांट भी सके। इस आयोजन में सावन की रानी का खिताब की घोषणा भी की गई। इसके अलावा महिलाओं ने फैशन शो की तर्ज पर रैंप वॉक भी किया और सावन के सुमधुर गीतों पर बेबाक होकर खूब थिरकी भी। आयोजन में आयोजित किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं में समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया और उपहार भी प्राप्त किया। सावन महोत्सव मनाने के उद्देश्य को नगर पालिक निगम भिलाई की वार्ड 30 की पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सत्या देवी जायसवाल ने न्यूज टीम से साझा किया। साथ ही कार्यक्रम में सावन की रानी का खिताब जीतने वाली प्रतिभागी ने भी आयोजन की खूब सराहना की। महिलाओं के लिए खेलकूद का प्रतियोगिता रखा गया था और उसमें से क्या सावन क्वीन भी चुनी गई हैं और साज सज्जा श्रृंगार चूड़ियाँ मतलब वितरित किया गया सभी महिलाओं को। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि घर से निकल कर के भाग लेना, स्टेज तक पहुंचना, ये बहुत अच्छा लगा। और सावन महीना जैसे ही स्टार्ट होता है महिलाओं को एक अलग ही रंग चढ़ जाता है, क्योंकि सावन महीने में काफ़ी ऐसे त्यौहार आते हैं, वो त्यौहार ही इतने अच्छे होते हैं कि उसमें महिलाएं झूम उठती हैं खुशी से। एक तो इसमें एक बड़ा अच्छा त्यौहार आता है तीज का, दूसरा त्यौहार है एक इसमें अपना जो है राखी रक्षाबंधन, लास्ट होते होते रक्षाबंधन भी आता है, तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। प्लस सावन में भोले बाबा जो हमारे देवती देव हैं, तो उनका भी जो है पूजन वगैरह करना, तो महिलाएं इस चीज़ में बहुत व्यस्त रहती हैं और उनको पूजा पाठ करना बड़ा अच्छा भी लगता है। तो इस सावन महीने में हम लोगों ने, ये अभी से नहीं कई वर्षों से हो रहा है, तो इसमें हम 25 महिलाएं जुड़ी हुई हैं समाज की, जायसवाल समाज की 25 महिलाओं के थ्रू हम सभी महिलाओं को इन्वाइट करते हैं और काफ़ी तादाद में महिलाएँ आईं और बड़े ही खूबसूरती से भाग लिया भैया और बहुत बढ़िया लगा। और व्यंजन जो है अपने अपने घर से बना करके लाए उन लोगों ने और बड़ी खूबसूरती से उसको सजाया गया और बहुत ही लाजवाब बना था वो व्यंजन भी। और जो महिलाएं सज संवर के आई थी उनका पोशाक भी बहुत ही बेहतर था, बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ एक और थी, डांस का भी प्रोग्राम वहाँ रखा गया था, सभी महिलाओं ने डांस वगैरह किया और रैंप भी चलने का प्रोग्राम था, तो उसमें भी सभी महिलाओं ने भाग लिया बढ़ चढ़ करके। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक महीने में, इस सावन महीने में जो होता है महिलाएं रोज़ तो अपने घर में इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, सारा दिन तो काम ही करती रहती हैं, तो हम सब ने ऐसा सोचा कि इस प्रोग्राम को अगर मनाते हैं तो ये एक दिन जो है महिलाओं को एकदम अपने घर से फ्री होकर के ये जो स्टेज मिलेगा, उस स्टेज में क्या वो अपना उनका बचपन का जो एक खेल कूद होता है, एक जो उमंग होता है, अंदर से खुशी होती है, वो झलकेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी और महिलाओं ने बड़े ही खुशी से बड़े ही उत्साह से भैया उस चीज़ को निभाया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ साथ क्या हम लोगों ने भी खूब मस्ती की, खूब झूले झूले वहाँ पे, रैंप पे चलना, डांस करना और एक दूसरे से मिलना। एक साल के बाद जब हम लोग सब मिलते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि सभी बहनें, ऐसा लगता है कि क्या कर डालें यहाँ पे, क्या
खेलें, क्या कूदें, क्या करें, ऐसा एकदम मतलब माहौल जो है ना एकदम अलग से हटके हो जाता है। और हम चाहते हैं कि हर वर्ष हमारी जो जायसवाल बहनें हैं इसी तरह बढ़ चढ़ करके भाग लें और इसी तरह इस प्रोग्राम को मनाती रहें, और बीच बीच में भी अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग इस प्रोग्राम को इसी तरह जारी रखेंगे, ये हमारी कहना है और यही हम चाहते भी हैं। और हमारी समाज की जो बहनें हैं इनका जो एक उद्देश्य बड़ा अच्छा ये लगता है कि जाके अगर हम लोग घर पे उनको बता के आते हैं तो समय का बड़ा ध्यान रखती हैं वो लोग, समय का ध्यान रखते हुए और जैसा बोला गया था उनको कि इस तरह का पहनावा पहनना है, आना है, वहाँ भाग लेना है, तो बिल्कुल उसी तरह वो लोग रेडी होकर के आती हैं, बातों को एकदम सुनना और बड़ा ही उत्साह के साथ आते हैं, मिलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि अपना समाज जो है, समाज में एक संदेश भी जाना चाहिए कि हमारा जायसवाल समाज भाई एक हैं, और कोई भी मौका पे मिलते हैं, आते हैं, बुलाए तो वहाँ पे आए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारी एक अध्यक्ष हैं समाज की श्रीमती अनीता जायसवाल जी, उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहता है इसमें, और उपाध्यक्ष हैं किरण, तो उनके भी नेतृत्व में क्या है हम 25 महिलाएं सभी मिल करके इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और करवाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है भैया ये सब चीज़ें हो करके देख करके। मेरा नाम अनामिका जायसवाल है, मेरे पति का नाम विजय जायसवाल है। मैं जायसवाल महिला सावन समारोह के द्वारा आयोजित किए गए प्रोग्राम में सावन क्वीन चुनी गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। वहाँ रैंप पर चलना, रैंप पर वॉकिंग करना और वहाँ झूला झूलना, और वहाँ सारी महिलाएँ डांस कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें, और हम महिलाओं ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। एक शादीशुदा महिला के लिए घर की जिम्मेदारियाँ सर्वोपरि होती हैं, परंतु कई बार देखा गया है कि ऐसी महिलाएं सिर्फ गृहिणी ही बनकर रह जाती हैं। परंतु अब सभी समाजों में महिलाओं को आगे लाने के लिए ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जिससे महिलाएं अपने भूले हुए दिनों को याद करके बेहद हर्षित नजर आती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।